महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने एक साथ काफ़ी वीडियो बनाए हैं और भगवान के नाम की चर्चा हो रही थी। सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कीजिए, इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मुझे अकेले को लड़ाई मत करवाइए, आप भी थोड़ी लड़िए। ईश्वर का नाम सब तक पहुंचाइए, ये आनंद सब तक पहुंचाइए। मेरे पिछले वीडियो में जो अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड किया था, उसमें हरि चर्चा हनुमान जी की बात हो रही थी। अब मैं इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण की एक लीला सुनाऊंगा। कृष्णाय माधवाय नमः, सिर्फ नाम ही काफी है। नाम में कितनी ताकत है, ये कथा के रूप में हम श्रवण करेंगे। कथा बहुत पुरानी नहीं है, कोई 50 साल पुरानी है। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था। अब चूंकि हमारा तो देश ही संतों का, ईश्वर को मानने वाले का देश है, तो भागवत की कथा जो होती है वो अब तो कम होने लग गई, लेकिन पहले तो लगभग आपको गांव में किसी न किसी के घर सुनाई दे पड़ जाती थी, शहर में पड़ जाती थी, कस्बों में पड़ जाती थी। लगभग रोज़ कहीं ना कहीं गांव में एक जगह तो भागवत कथा होती ही रहती थी, और मथुरा वृंदावन जो है उसके लिए तो प्रसिद्ध था। अरे भाई, हरि के शहर में हरि की चर्चा ना हो ये कैसे हो सकता है। एक ग्वालन थी जो गोकुल से मथुरा आती थी दूध बेचने, और दूध बिक जाता तो क्या दो आने या दो पैसे, क्या दो आने, ऐसा कुछ था। जब गुरुजी सुनाया करते हैं, देखो श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है हरि चर्चा, तो वो दो पैसे जो है वो नाव वाला जो जाने के लिए लेता था, दो पैसे आने के लिए लेता था, तो बाकी का जो उसका जो बच जाता था वो उसकी नित्य की कमाई थी। अच्छा, वो जाते जाते क्या करती कि ठाकुर जी के दर्शन करते चली जाती, क्योंकि दूध जो है बिक जाता। उसके बाद में उसके पास वो खाना वाना खाती, और जो नाव चलती थी वो शाम को चलती थी, तो वो जाके ठाकुर जी के दर्शन करती और शाम को नाव में बैठ के अपने गंतव्य को चली जाती। अब एक दिन दूध उसका जल्दी बिक गया और वो ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी वो पूरी तरह से फ्री रही। उसने देखा एक व्यास जी जो है भागवत कथा कह रहे थे, और वो भागवत कथा सुनने बैठ गई। भागवत सुनने का चमत्कार देखिए आप, कहने का तो अलग ही बात है, भगवान का नाम श्रवण करने में कितना चमत्कार है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। तो एक किस्सा और सुनाऊंगा कभी कि भगवान के नाम के सुनने की कितनी वैल्यू है। उसमें व्यास जी कह रहे थे कि जो भगवान कृष्ण का नाम तन मन धन से लेता है, जो अंतर मन से भावों से लेता है, वो बैतरणी पार कर जाता है, मरने के बाद में सीधा स्वर्ग में जाता है। अब ये ग्वालन के काम की बात थी, बाकी कुछ उसको समझ में आया नहीं आया हो, लेकिन ये बड़ा समझ में आया उसको कि यार जब नाम लेने से बैतरणी पार हो जाती है तो जमुना जी तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि बैतरणी का जो उन्होंने महादेव विवरण दिया वो बहुत ही भयावह था। उफनती भी सी, इतनी विशाल, इतना वो, ये सब। तो बोले इतना, इतनी बड़ी नदी, इतना सारा प्रपंच उसमें होता है, जब नाम लेने से वो पार हो जाती है तो ये तो छोटी सी जमुना जी है, मैं खाऊं खाई चार पैसे रोज खर्च करती हूँ। आज उसने निश्चित कर लिया कि मैं नाम लेके ही पार करूँगी, और उसने अपनी ठट्टी जो है बांधी और भगवान का नाम लिया, जमुना जी के पास पहुँच के। आज वो नाव की तरफ से नहीं गई, वो ऐसा किनारा ढूंढा जहाँ से अपना गाँव नज़दीक हो, सीधा सीधा चल के पहुँच जाऊँ, कम समय लगे।
और भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और पैर रख के पार, पानी पे चल के पार हो गई। उसको लगा ये ठीक है, व्यास जी सही बोलते हैं, और बड़ा मज़ा आया। अब वो रोज़ का कर्म हो गया उसका, भगवान का नाम ले इधर आए पार करके, फिर भगवान का नाम ले उधर पार करके चली जाए। अब उसके पैसे बचने लग गए। अब वो पैसे बचे तो देखो भक्त का भाव क्या होता है, वो पैसे बचे तो उसको लगा कि देखो ये व्यास जी की वजह से बचे हैं, तो मैं व्यास जी को बुला के भोजन करवाऊँ। अब उनका वो व्यास जी तो कथा कह के चले गए थे, पता किया कि व्यास जी कहाँ रहते हैं, पड़ोस के एक गांव में रहते थे, वहाँ गई और वहाँ जाके उनको निमंत्रण दिया कि व्यास जी मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ, वस्त्र वगैरह दान करना चाहती हूँ, उसमें तो आपकी कृपा से जो है मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, आपने हरि कथा कही और मैंने सुनी तो मेरा पूरा जीवन बदल गया है, तो आप कृपया करके मुझे अनुग्रहित करें भोजन करके। व्यास जी ने कहा ठीक है, कौन से दिन कराना चाहती हूँ। उन्होंने बोला दिन आप निश्चित कर लें। व्यास जी ने कोई अच्छा सा दिन देख के बता दिया, इस दिन ये अच्छा है, इसमें आप भोजन कराएं तो पुण्य मिलेगा, आ जाते हैं। बोला मैं लेने आ जाऊँगी आपको। नियत दिन और नियत समय पे वो व्यास जी को लेने पहुँच गई। व्यास जी जो है अच्छे भले तैयार होकर चल पड़े उनके साथ। अब भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी, वस्त्र भी मिलेंगे, और क्या चाहिए ब्राह्मण को। तो ग्वालन जो है उसको लेके उसी किनारे पे लेगी जहाँ से वो जाती है, और बोले यार नाव कहाँ। बोले नाव लेने की क्या जरूरत है, आप ही ने तो कहा था कि भगवान का नाम लेके बैतरणी पार हो जाती है, तो जमुना जी है। अब व्यास जी के पसीने छूटे, क्योंकि व्यास जी सिर्फ कथा कहते थे, उनको ईश्वर पे न विश्वास था न ईश्वर को समर्पण था। बोले नहीं नहीं ऐसे कैसे पार हो जाएंगे, वो तो डूब जाएंगे। बोले कैसे डूब जाएंगे, मैं तो रोज आती हूँ। अब उन्होंने व्यास जी का हाथ पकड़ा, भगवान का नाम लिया, वो तो चलने लग गई। अब व्यास जी डूबे हैं, उनको पकड़ के अरे मार डाला, और वो बीच मतलब उसमें आके कि हे भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, अरे ये तो कहाँ डायन का मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, ये तो साक्षात डायन ही है, ये तो मुझे मारने के लिए ही आई है। और वो रोते रहे बिलखते रहे। तो उसने कहा कि मेरा ध्यान भटका तो नीचे डूब जाएंगे दोनों, इसलिए मुझे भगवान में ध्यान लगाए रखने दो। और वो अपना लेके उनको पार करा दिया। अब इतने भयभीत हो गए व्यास जी कि ये हो ना हो, ये कोई ये जो पराशक्ति है, ये कोई ना कोई भूत प्रेत है जो मुझे खाने पे, वो खाने को भी डरे। व्यास जी के इतने पसीने छूटे हुए थे, उन्होंने उनको उसी प्रेम से भोजन कराया, वस्त्र दिए, दक्षिणा दी, और बोला चलो मैं छोड़ आती। बोला ना तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा माता। व्यास जी वहाँ से कैसे सोच रहे थे कि कैसे भागूं। फिर आया वही किनारा छोड़ने आई, और फिर उसी तरीके से छोड़ के गई। और उस ग्वालन ने बताया कि आपने उस दिन कहा था मैं भगवान का नाम लेके, भगवान कृष्ण का नाम लेके ऐसे ही पार करती हूँ रोज। अब पता नहीं आपने भगवान का नाम क्यों नहीं लिया, आप भी ले लेते व्यास जी, आप भी पार हो जाते। आपके पास इतना ज्ञान है, आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते क्यों नहीं हो। और उनको वहाँ किनारे बोलो, वो उन्होंने कहा मुझे किनारे पे ही छोड़ दो आप। उनको वहाँ किनारे पे छोड़ के फिर वो पानी पे चल के गई। हरि कृपा से व्यास जी की आंखें खुली कि हे प्रभु मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में कहा है, तुम्हारा नाम कभी मन से लिया ही नहीं। मैं कितना अभागा हूँ कि दिन रात हरि चर्चा करता हूँ, पर हरि का नाम कभी भी मैंने उस भावना से, उस अंतर्मन से, उस समर्पण भाव से कभी लिया नहीं है। जैसी कृपा इस ग्वालन पे की, प्रभु मुझ पे भी कीजिए। और ये कह के व्यास जी ने हरि नाम लिया, और वो बोला अगर आप तू डुबोना चाहे डुबो दे, तू तैरना चाहे तैरा दे, तेरी इच्छा, पर मैं
अब पूरी तरीके से तुझे समर्पित हूँ। और जैसे ही ये भाव रख के उन्होंने नदी के ऊपर पाँव रखा, वो व्यास जी नदी चल के गए और नदी चल के वापस आए। और उस दिन के बाद वो घर नहीं गए, वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कोई कथा नहीं, कोई भागवत नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सच्ची घटना है जो वृंदावन के लोगों ने मुझे बताई थी। जब उस ग्वालन के नाम से एक घाट बना हुआ जमुना जी पे, मैंने पूछा ये घाट किसके नाम से, तो उन्होंने मुझे घटना सुनाई थी। मुझे बड़ा आनंद आया, इसीलिए मैंने कहा मैं आपसे शेयर करता हूँ। श्री कृष्णाय माधवाय नमः, नाम ही सिर्फ काफ़ी है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो आज की इस सारी चर्चा में इतना ही। मैं आनंद में हूँ, आप भी आनंद में रहिए और इस आनंद को सब जगह बांटिए। महादेव।